हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए दिनेश इटावा से। दिनेश, 2012 का मैं भी फिगर आउट कर रही थी, 2017 से और 2012 का अभी तक हम कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि 2022 में तस्वीर क्या होगी ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन 2012 में अगर देखें तो यहाँ तस्वीर अलग थी। कुछ जो सीट्स थी, यहाँ पर इटावा भी है उसमें, जहाँ पर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को करारा झटका दिया था। लेकिन अब यहाँ पर आपको लग रहा है कि वो फिर से उस परफॉर्मिंग सिचुएशन में यहाँ पर समाजवादी पार्टी आपको लगती है कि क्लीन स्वीप कर पाएगी, या फिर अभी बीजेपी का दबदबा आपको यहाँ पर नजर आता है? लोग क्या सोच रहे हैं, स्थानीय मुद्दे क्या हैं यहाँ के? बिल्कुल, इटावा जिसको मुलायम सिंह यादव के प्रभाव वाला क्षेत्र और समाजवादी पार्टी के गढ़ के तौर पर जाना और पहचाना जाता रहा है, लेकिन यह सूरत और सीरत राजनीतिक तौर पर साल 2014 से बदलना शुरू हुई है। साल 2014 में इटावा संसदीय सीट से सबसे पहले अशोक दोहरे सांसद निर्वाचित होते हैं, और उसके बाद में 2017 का जब चुनाव होता है तो 2017 के चुनाव में इटावा सदर सीट जो कभी 12 में समाजवादी पार्टी के पास में हुआ करती है, वो सीट बदल करके भारतीय जनता पार्टी के खाते में चली जाती है। सरता भदौरिया यहाँ से एमएलए निर्वाचित हो जाती हैं, और इसी तरीके से जो भरतना की सीट है, भरतना सुरक्षित, उस सीट से भी भारतीय जनता पार्टी की श्रीमती सावित्री कठेरिया निर्वाचित हो जाती हैं। फिर आता है साल 2019 का चुनाव, जिसमें इटावा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया निर्वाचित हो जाते हैं। अब आई बात की साल 2022 की, क्या सूरत और सीरत और तस्वीर रहेगी, तो इस समय ये जो स्थितियां बनी हुई दिखाई दे रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनाक्रोश कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, नजर आ रहा है। लोग तरह तरह की बातें सरकार को लेकर के कर रहे हैं। ये जनाक्रोश किस चीज को लेकर के है, ये भी जरूर बता पाए दिनेश, क्योंकि अब यहाँ पर आप बता रहे हैं कि 2012 का 2014 में जो बदलाव हुआ समाजवादी पार्टी के हाथ से ये किला निकला है, लेकिन अब अगर जनाक्रोश बीजेपी के खिलाफ बना हुआ है तो वो किन मुद्दों को लेकर के? जनाक्रोश के पीछे तमाम ऐसी बातें हैं जो स्थानीय विधायक हैं उनको लेकर के नाराजगियां हैं, उनके कार्य व्यवहार को लेकर के नाराजगियां हैं। लोग इस बात से नाराज हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं वो कहीं पर भी स्थानीय लोगों को, जो मददगार पीड़ित लोग होते हैं, उनकी उस ढंग से मदद नहीं की है। और बड़ी बात यह है कि जो इटावा और इटावा के आसपास का इलाका है, इसको विकास पे पूरी तरीके से उपेक्षित करके रखा गया है। सरकार ने जिस भी योजना का जिक्र किया है वो वैसी योजनाएं बताई हैं कि जो कभी समाजवादी सरकार में बनी थी, पूरी हुई थी, और सरकार उनका, मौजूदा सरकार उनका क्रेडिट लेने की कोशिश में अपना जो प्रचार का तंत्र है उसमें उन योजनाओं को जोड़ दिया है, तो इसको लेकर के भी काफी नाराजगी है। दिनेश, यहाँ का अगर जातीय फैक्टर थोड़ा समझा पाए, क्या जातीय फैक्टर यहाँ पर हावी रहेगा, स्थानीय मुद्दे यहाँ हावी हैं, या पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरान के जो चेहरे हैं वो लोगों के जहन में किस तरह से हैं, यहाँ जातीय फैक्टर किस तरह से है? बिल्कुल, चूंकि इटावा जो जिला शहर है, सदर सीट है, इस सीट पर समाजवादी पार्टी जो 2012 में जीत हासिल की थी वो एक पिछड़ी जाति के समीकरण के आधार पर जीत हासिल करने में कामयाब हो गई थी। वैसे इटावा सदर सीट का जो मिजाज है वो सवर्ण बाहुल्य मिजाज रहा है। यहाँ पर करीब 60,000 के आसपास ब्राह्मण मतदाता है जो निर्णायक भूमिका अदा करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ओबीसी के मतदाताओं की भी संख्या बहुत अधिक है, लूथ बिरादरी के लोगों की संख्या बहुत अधिक है, शाक बिरादरी के लोगों की संख्या बहुत अधिक है। जसवंत नगर जिस सीट पर मुलायम सिंह यादव के भाई शिवपाल सिंह यादव पीएसपीएल प्रमुख चुनाव मैदान में उतरे हुए लड़ रहे हैं, वो सीट 1996 से लगातार उनके कब्जे में बनी हुई है। हालांकि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के तमाम छोटे बड़े नेता और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात को कई दफा अपने संबोधन में बोला है, जब वो यहाँ सभा संबोधित करने के लिए आए थे, कि इस दफा हम जो मुलायम परिवार के पास में कब्जे वाली सीट है जसपत नगर, इस सीट पर कब्जा करेंगे। तो ऐसी बातें कही गई हैं, सुनी गई हैं, लेकिन अब बात आती है कि जिस सीट पर भारतीय जनता पार्टी कभी जीत नहीं पाई है तो उस सीट पर कैसे जीत पाएंगे, क्योंकि वहां पर 1.5 लाख के आसपास यादव मतदाता है, और भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार साल 2017 में खड़ा हुआ था, उस उम्मीदवार ने जो स्थितियां यहाँ पर, वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लिया, उसको 75,000 के आसपास के वोट मिले। चलिए, जाति फैक्टर यहाँ पर जरूर देखने को मिलेगा।